भाजपा द्वारा सबसे पहले पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद अब इस मामले में मंत्री अरविंद भदौरिया ने पार्टी की रणनीति की तारीफ की है। उन्होंने कहा जिन सीटों पर टिकट वितरण के बाद असंतुष्ट की खबरें आ रही हैं उन पर उन्होंने कहा कि सुपर टिकट हुए हैं, बहुत अच्छे टिकट हुए हैं, हारी हुई सीटों पर टिकट हुए हैं। पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, डैमेज कंट्रोल के लिए एक टीम बनी होती है, हम बात करेंगे, संवाद करेंगे, जिसको टिकट मिला है वही हमारा नेता है। 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। कमलनाथ के बीजेपी खिलाफ चार्जशीट जारी करने पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी थोड़ा पगलिया गए हैं, डिप्रेशन में है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा अब चलेगा नहीं, झूठे वादे अब चलेंगे नहीं, कांग्रेस मोगरी लाल के असीन सपने देख रही है। पार्टी की राजनीति से देश में से बेहतर कोई राजनीति नहीं हो सकती है। सुपर टिकट हुए हैं, बहुत अच्छे टिकट हुए हैं, हारी हुई सीटों के टिकट हुए हैं, और मुझे लगता है कि मैं लंबे समय से संगठन का काम करता रहा हूँ, मुझे लगता है लगभग सभी लोग जीत के आएंगे। ये पार्टी की सबसे बेहतर रणनीति है और 100% 2023 परमपिता परमात्मा रूपी जनता और परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के गए 2023 भारतीय जनता पार्टी का। कई जगह विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है, कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। डैमेज कंट्रोल के लिए एक टीम बनी होती है, बात करेंगे, संवाद करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मॉस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है, किसी नेता आधारित जनसंगठन नहीं है। इसलिए जिसको टिकट मिला, जिसको झंडा मिला, जिसको कमल का फूल मिला, वही हमारा नेता है, वही हमारा प्रत्याशी, उसके पीछे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ये हमारा विषय भी नहीं, मेरे को बोलने का इस पर अधिकार भी नहीं। कमलनाथ जी ने आज आरोप पत्र जारी करा है, चार्जशीट आप लोगों का। कमलनाथ जी जो है ना थोड़ा पगलिया गए हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि झूठ के पुलंदे पहले पोल 15 महीने की सरकार में खुल गई है, झूठे वादे चलेंगे नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो ये देख रहे हैं, ये हसीन सपने सब उनके धरे के धरे रहे। ये पार्टी विचार करेगी, पार्टी हम सबसे ज्यादा सोचती है। थैंक यू।